हेलो बच्चे बड़ी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज से हम बिहार बोर्ड 2025 के लिए वीवीआई मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं, जो कि हमने स्टार्ट करे हैं आज से क्लास। क्लास को एकदम जो है ना प्रॉपर ढंग से देखिए, आप सीरियस होकर के देखिए। अगर कोई बच्चा तैयारी नहीं किया है, डेढ़ साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सबसे ज्यादा टेंशन बच्चा को मैथे में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट में। चलो ठीक है, थोड़ा सा याद कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, हो जाएगा, चलो ठीक है, क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा रट लिए। मैथ में क्या करोगे? मैथ में जो बच्चा से नहीं बनेगा ना, वो वहां ऐसे मुंह ताक करके आएगा, ठीक है ना। तो वहां मुंह ताकिएगा तो आप हो जाएगा गोल, 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब टेंशन को आप छोड़िए, अभी आपके पास जितना भी समय है, इस समय के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको मैथमेटिक्स में 90+ मार्क्स ला करके देंगे, और आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसी सब टेंशन को दूर करने के लिए ये है हमारे पास एग्जाम कैप्सूल, ये आपको लेना है। इसको लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें वही क्वेश्चन सब है जो आपके पास बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक से हमने इसमें क्वेश्चन बनाया है, जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है। और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, सब कुछ इसी में है, ठीक है। और साथ में पीछे में हम आंसर भी दिए हैं, और साथ ही साथ ये लेने से आपका हेल्प ये होगा कि आपका डेली वाइज सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ। अब ऑप्शन देखो, ए फॉर अनीता, बी फॉर बबीता, सी फॉर चंपा, टी डी फॉर डॉली। देखो जब भी आप ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं ना, तो अपने आप क्या करना, वीडियो को पहले पॉज कर देना, क्वेश्चन आपके सामने है उसके बाद बना लेना, और देखना कौन आता है, अनीता आती है कि बबीता आती है कि चंपा आती है या डॉली आती है, मतलब ए आता है कि बी आता है कि सी आता है कि डी आता है, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। इधर हमने क्वेश्चन लिखा है इधर, और इस साइड हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये डी नंबर, ए बराबर कितना है, ए है हमारे पास ए आई जे, ठीक है, क्लियर है। ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टीज होता है कि जब ये सिमेट्रिक होगा तो ए आई जे है किसके बराबर, ए जे आई के बराबर होता है, है ना। आई जे है तो जे आई के बराबर है ना। अब आ जाओ ढूंढो इसमें कौन सा ऑप्शन, अनीता, बबीता, देखो अनीता में जीरो है, नहीं होगा, बबीता में माइनस लगा हुआ है, नहीं होगा, डी में क्या लगा हुआ है, डी फॉर डॉली, डॉली में वन है, नहीं होगा। अब इसको गौर से देखो तो ए आई जी बराबर ए जी आई है, मारो टिक। इसका कौन सा आंसर, पहला का आंसर चंपा, ठीक है। अब चलो सेकेंड नंबर में है, ए बराबर वन 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 है, तो कहता है ए स्क्वायर कितना होगा। तो आ जाओ, ये तो फर्स्ट का सोल्यूशन था, आप सेकेंड का सोल्यूशन देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, हम हर एक चीज आपको बताएंगे, एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, ताकि इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन भी बदल दे तो आपको जो है ना वहां पर से बना करके आ जाइए, पढ़ाई का मतलब ये होता है, ठीक है। तो a बराबर दिया हुआ है, तो a स्क्वायर को हम क्या a इंटू ए लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है, वन 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 वन, है ना। तो फिर से लिखिए वन 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 वन, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बोलो क्या करते हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, तो वन को वन से करोगे वन, फिर इस वन को इससे करोगे तो बीच में प्लस का साइन होता है, फिर इसको इससे करोगे तो प्लस वन हो गया। अब दूसरे वाले कॉलम से तो वन इंटू वन वन, फिर वन, फिर वन, तो फिर इससे करोगे कितना, वन प्लस वन प्लस वन, है ना। अब नीचे आओ दूसरे वाले रो को फिर पहले वाले कॉलम से, तो सब में यही चीज बनेगा, वन प्लस वन प्लस वन, यहाँ भी वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो गया हमारा, थ्री 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 थ्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, तो एक काम करो, थ्री सब में से कॉमन ले लीजिए, तो वन 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 वन, है ना। यहाँ तो थ्री तो ठीक है, वन 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 किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, तो यहाँ आप ए रख दीजिए, तो क्या आंसर आया हमारा, थ्री है। अब ढूंढो ऑप्शन में कौन सा, अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, कौन सा, चंपा, सी नंबर, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी बच्चा को इसके अलावा भी कोई दिक्कत होता है ना, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका भी आपको हम पूरा मदद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ना, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप मधुबनी से वीडियो देख रहे हैं या मधुबनी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं,
तब आपके लिए क्या है, लकी हैं आप, क्योंकि आप जो है हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का सभी विषय का पढ़ाई एक ही जगह होता है और एकदम A1 तैयारी आपको हम कराएंगे, एकदम एग्जाम में फोड़ के आता है हमारे यहाँ का बच्चा, ठीक है। और मधुबनी का एक ऐसा एकलौता कोचिंग है जहाँ सब सब्जेक्ट का पढ़ाई एक ही जगह होता है, बाकी यहाँ ट्यूशन वहां ट्यूशन वहां ट्यूशन, एक जगह ये पढ़िए फिर जाइए घर फिर ये पढ़िए, समय बर्बाद करते रहिए, ठीक है ना, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। क्लियर है? चलो फर्स्ट सेकंड खत्म कहानी, अब आते हैं थर्ड नंबर में। कहता है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे सेड टू बी अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप देखो थर्ड नंबर के लिए ए बराबर कितना है ए आई जे, हमें कैसा होना चाहिए? एसक्यू सिमेट्रिक था। एसक्यू सिमेट्रिक के लिए क्या प्रॉपर्टीज है? ये सब प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स में हम पढ़ाए थे, ठीक है ना। एसक्यू सिमेट्रिक्स के लिए क्या नियम है? ए आई जे बराबर ए जे आई, लेकिन ये माइनस में, किस में होता है? माइनस में। एसक्यू में माइनस लगता है और सिमेट्रिक में प्लस रहेगा, ठीक है। तो आ जाओ ढूंढते हैं कौन सा होगा, आ जाओ अनीता, अनीता जीरो है, नहीं होगा। बबीता में देख लो माइनस है, और आगे भी देखो चंपा, ये भी माइनस है। तो चलो इन दोनों को बाद में देखेंगे, क्लियर है। डॉली को काटो क्योंकि बराबर में वन है, वन तो नहीं होगा। देखो इसको बी को गौर से देखो, ए आई जे, और यहां भी ए आई जे ही है लेकिन माइनस में है, तो ये भी नहीं होगा। क्या है कहानी कि जे ये बदल जाएगा, जे पहले और आई बाद में, तो सी नंबर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। कहता है द मैट्रिक्स ऑफ ऑल पॉसिबल द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्रीज 0 और 1 इज क्या होगा इसका, है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कितना नंबर है, ये 4 नंबर, 3x3 का मैट्रिक्स हमें बनाना है। कितना का बनाना है मैट्रिक्स? 3x3 का। देखो हम इसमें तीन रो और तीन कॉलम होता है बच्चा लोग, अरे बोलो हाँ या ना। तो हमने यहाँ तीन जगह बना दिया सब में, तीन तीन नौ, है ना। इसमें क्या कहता है कि जीरो या वन भरना है, जीरो और वन भरना है। तो एक काम करो, इस सब में हम जीरो जीरो भर दें तो एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, इसमें जीरो बाकी सब में वन भर दें तो दूसरा मैट्रिक्स तैयार होगा, इसमें जीरो इसमें जीरो इसमें वन भर दें तीसरा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से कितना मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ऐसे 001 भरते 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 बहुत सारा केस आएगा, है ना। ऐसा हो सकता है ना, यहाँ जीरो सब में वन, यहाँ जीरो फिर सब में वन, यहाँ जीरो फिर सब में वन, यहाँ जीरो सब में वन, यहाँ हो सकता है यहाँ जीरो फिर सब में वन, है ना। देखो बहुत सारा पॉसिबल हो सकता है। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग बनाएंगे कहाँ, याद करो परमुटेशन और कम्बिनेशन पढ़ाए थे, कौन सा? खाली जगह को भरने वाला, यानी एक सीट वैकेंट है और हमारे पास दो आदमी है, एक कुर्सी है खाली कुर्सी, उसमें दो आदमी को कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितना सीट है, एक है, हमारे पास क्या भर सकते हैं? जीरो या वन, इसमें भी जीरो या वन, इसमें भी जीरो या वन, यहाँ 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 भी जीरो या वन भर सकते हैं, यहाँ भी जीरो या वन भर सकते हैं, यहाँ भी जीरो या वन भर सकते हैं, यही है ना कहानी। तो देखो पहला वाला जो स्थान है यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के लिए कितना तरीका से उसमें फिल कर सकते हैं? दो तरीका से। सेकेंड प्लेस के लिए भी कितना तरीका? टू वेज, है ना। इसी प्रकार से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नाइन्थ प्लेस कितना हो जाएगा इस, है ना। तो हमारे पास कितना तरीका हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेज हो जाएगा, है ना। 9 वेज को कितना हो जाएगा, सॉरी 9 प्लेस, हर प्लेस के लिए कितना, दो जगह। तो इसीलिए आप इस सब को रिक्वायर्ड प्लेस करोगे, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कर लो यहां पर, क्या कर लेंगे हम, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट। यहाँ 2 to the power कितना, 9, 2 to the power 9 कितना होता है, 512 है। इसका मतलब 0 और 1 को लेकर के हम 512 मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर ये रहा डी, डॉली हो जाएगा 4 का आंसर, है ना। इस वाले 4 नंबर में थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट वाला, परमुटेशन और कम्बिनेशन वाला थोड़ा सा आपको जो है कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। जाहिर सी बात है 11th का टॉपिक है, आप भूल गए होंगे,
यहाँ पर सीधे याद रखिए, फर्स्ट प्लेस के लिए दो तरीका, सेकंड थर्ड के लिए दो तरीका, सबको मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट में। क्या करना होता है लास्ट में? तो 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 9 होगा, 2 का पावर 9 हमारे पास कितना होता है 512। तो हम 0 और 1 को लेकर के 3x3 का हम कितना मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं 512। मान लो एग्जाम में बदल दिया, यहाँ पर 0, 1 और 2 लेंगे तो कितना डिजिट हो गया 3 डिजिट हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा 3 3 वे 3 वे 3 वे 3 वे 3 वे 3 का पावर 9 और 3 का पावर 9 देखो कितना आता है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन कहता है कि ऑप्शन ए में ढूंढना है आपको। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर होता है। अब यहां पर देखो 5 नंबर में है आपका ए बराबर कितना ए आई जे एम क्रॉस एन, है ना। अरे m होता है क्या नंबर ऑफ रो और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, है ना। तो हम क्या बोले स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है रो और कॉलम बराबर, रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो m और ये कौन सा n, है ना। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा अनीता मारो टिक। ठीक है, अब चलते हैं हम 6 नंबर में। इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, देन ए बी का डैश। 6 नंबर को ध्यान से देखो, ए बी का डैश, डैश मतलब क्या ट्रांसपोज, है ना। इसका फॉर्मूला होता है बी डैश ए डैश, है ना, डैश मतलब ट्रांसपोज। ए बी का होल का डैश क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन है यहां देखिए बी नंबर। क्लियर है? चलो 7 नंबर को ध्यान से देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पर है 1 माइनस एक्स इधर 2 यहां 18 और 6 इज इक्वल टू 6 2 18 और 6, है ना। देखो इसमें कह रहा है x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है बच्चों x का वैल्यू। ध्यान दीजिए ये आपका मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको इसके बराबर लिख देते हैं 1 माइनस एक्स बराबर 6 और x का वैल्यू निकाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। वो लगाएंगे किसमें, मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन ये डिटरमिनेंट है तो आपको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो करो 6 into this one 6 और -6x, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, फिर इधर मल्टीप्लाई करो 18 को दूसरे करोगे कितना होगा 36 हो गया, इक्वल है इक्वल का साइन दो, फिर इधर मल्टीप्लाई कीजिए 6 into 6 कितना 36, बीच में माइनस फिर इधर मल्टीप्लाई करो ये भी 36, यहाँ कितना -6x 36 में से 6 गया कितना बचा इधर 30, अब बराबर ये तो कट के तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो गया -6x इज इक्वल टू 30 उधर जाएगा तो +30 काट दीजिए कितना हो गया 5, तो -x इज इक्वल टू कितना 5, तो x इज इक्वल टू कितना -5 है। अब चलो ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए में है 6, बी में -6 और सी में है -5, यानी चंपा इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलो यहां तक ठीक है ना। चलो 8 नंबर है, इफ ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन तो ए डैश कितना होगा, सॉरी 8 नंबर में है, यहां ध्यान से देखिए ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन तो हमें ए डैश निकालना है। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसको रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, उसे हम ए डैश से डिनोट करते हैं, राइट। तो देखो ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पर ए होगा, जे बाद में है तो जे को पहले लिख लीजिए और आई को बाद में, और ये भी आपका चेंज हो जाएगा एन पहले और एम बाद में, ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन सा है, अनिता बबीता चंपा डोली, यहाँ ध्यान से देखिए ऑप्शन में यहाँ ए आई जे और यहाँ भी ए आई जे, तो सबसे पहले जो बदलेगा तो ये तो नहीं होगा, यहाँ देखिए ए आई जे और ए जे आई एन क्रॉस सेम ये भी बदला हुआ है, यही ऑप्शन होगा, देखो वहां ठीक है। यहाँ तो ए आई जे सेम है और एन क्रॉस एन ही रखा है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, डी में नन ऑफ दिस, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अलग से कॉपी बना लीजिए, ठीक है। और यहां तक पहुंच गए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नाइन नंबर क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट है ये, मॉड नहीं है, कुछ बच्चे इसको मॉड समझ लेते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन है एक्स 833 बराबर 0, तो कहता है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो देखो इधर नाइन नंबर का सॉल्यूशन है, यहाँ पर x 833 इधर 0, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस दे करके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बराबर 0। ठीक है, 3x अपने जगह ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 24, इधर इसको काट दीजिए 8 टाइम में कट गया, x बराबर कितना 8, कौन सा ऑप्शन, बोलो बोलो बी नंबर। ठीक है, डी में माइनस 8 है तो ध्यान से धरफड़ाना नहीं है एग्जाम। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इफ ए बराबर आई 0 0 आई देन ए स्क्वायर, और ये आपके पास ऑप्शन है तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन होता है। ठीक है, 10 नंबर में ए स्क्वायर निकालना था, ए स्क्वायर मतलब क्या, ए को दो बार लिख दीजिए इंटू करके, यहाँ वैल्यू लिखिए कितना है आई 0 0 आई, है ना आई 0 0 आई, है ना, फिर इधर लिखिए ए का वैल्यू फिर से आई 0 0 आई, है ना। अब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, देखो पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, तो आई को आई से करोगे कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, अब बीच में प्लस का साइन, कौन सा साइन होता है प्लस का साइन, फिर इसको इससे करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलम में आई इंटू 0 0 बीच में प्लस 0 इंटू आई, ये भी 0। ठीक है, अब आ जाओ नीचे में आ जाओ, इसको करेंगे इससे तो ये भी 0 प्लस आई इंटू 0 ये भी 0 हो गया, फिर 0 को 0 से करोगे तो 0 प्लस आई को आई से करोगे तो आई स्क्वायर, है ना। एक चीज याद रखिए, आई मतलब यहाँ पर क्या होता है आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, ये हम लोग क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आपको याद रखना है सिर्फ आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो आई स्क्वायर इधर 0 0 इधर हो जाएगा कितना आई स्क्वायर, है ना, देखो ना यहाँ आई स्क्वायर प्लस 0 आई स्क्वायर, यहाँ 0 0 यहाँ आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 0 0 इधर हो जाएगा माइनस 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, आ जाइए कौन सा, बी नंबर, बी फॉर बबीता। ठीक है, क्लियर है, तो बच्चों आशा है क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और हाँ 500 प्लस ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो।